नमस्कार, आप देख रहे हैं गीतांश टीवी। प्रस्तुत है समाचार सगमा से राजू रंजन की रिपोर्ट। रामनवमी की तैयारी जोर शोर से की जा रही, जगह जगह भगवान श्री राम और हनुमान जी के कटआउट लगाए गए हैं। वातावरण में रह रहकर भगवान श्री राम और हनुमान जी के जयकारे गूंजेंगे। रामनवमी का पर्व सर्वत्र माना जाएगा। त्रेतायुग में 3 अप्रैल को ही अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जन्म चैत्र शुक्ल पक्ष नवमी तिथि मधुमास के कर्क लग्न में दोपहर के समय में हुआ था। इस रामनवमी को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। लोगों में श्री राम नाम के जय घोष के साथ प्रखंड मुख्यालय सहित गांव कस्बे को भगवा झंडे से सजाया जा रहा है। जैसे जैसे समय नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे पूजा कमेटी के सदस्यों द्वारा तैयारी में तेजी आ रही है। सगमा, कटहरकला, सोनडीहा, बीरबल, मकरी, घघरी, झुनका समेत विभिन्न गांव मोहल्ले में महापरी झंडों से पट गई है। इसके अलावा विभिन्न गांव से रामनवमी के जुलूस के दौरान निकलने वाली झांकी युक्त रथ को तैयार करने में लगे हुए हैं। विभिन्न क्लब व दल के सदस्यों ने गांव मोहल्ले को भगवा रंग में रंगने को लेकर दिन रात एक किए हुए हैं। इस प्रखंड के लोगों द्वारा गाजेबाजी व महावीरी झंडे के साथ जुलूस निकालने की परंपरा पिछले कई वर्षों से चलती आ रही है। बीरबल श्री राम सेवा समिति के सदस्यों ने गाजेबाजी के साथ जुलूस निकालकर विभिन्न गांव मोहल्ले का भ्रमण कर भगवा रंग से सजा दिया। इस मौके पर श्री राम सेवा समिति बीरबल के रामजन्म गुप्ता, रमोद लाल, पारसनाथ यादव, अजय कुमार आदि का नाम भी शामिल है। धन्यवाद।